टीकमगढ़ जिला जेल के पास नवीन पेट्रोल पंप का निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी से आए वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बताया गया कि यहां पर हजारों लीटर की क्षमता वाले दो टैंक लगाए जा रहे हैं। यह निर्माण कार्य लगभग 2 से 3 महीने में पूरा हो जाएगा, जिसके बाद इसका लाभ आम जनमानस को मिलने लगेगा और वहां पर रहने वाले वासियों को काफ़ी सुविधा रहेगी। वहीं जिला जेल अधीक्षक प्रतीक जैन द्वारा बताया गया है कि जेल समिति व हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी की साझा रूप से उपक्रम खोला जा रहा है। इसका लाभ जिला जेल समिति द्वारा जेल वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से वितरित किया जाएगा, जिससे जेल प्रहरियों के परिवार को छात्रवृत्ति और जिससे जेल प्रहरियों के परिवार को छात्रवृत्ति व रोजगार के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा एवं अन्य मुनाफे को वेलफेयर के माध्यम से प्रहरियों के उत्थान के कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। आपका नाम? सौरभ सिंह। किस पद पे हैं? मैं वरिष्ठ अधिकारी हूँ। जो ये पेट्रोल पंप कहाँ पे बन रहा है, कितनी क्षमता का रहेगा, कब तक इसको लोगों को लाभ मिल पाएगा? एवरेज 3 से 4 महीने तो लग जाएगा बनने में जी। और दो टैंक डाल रहे हैं हम लोग, डीजल का और पेट्रोल का। डीजल की कैपेसिटी है 35,000 लीटर और पेट्रोल का है 16,000 लीटर। किस कंपनी का है सर ये? हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। जेल उसके अधीक्षक में रहेगा, अंदर में रहेगा जी? जेल के उनके वेलफेयर का जो सोसाइटी होगा उसके अंदर में रहेगा। थैंक यू सर। सर, आपसे पूछना चाहूँगा, जो जिला जिले परिसर में पेट्रोल पंप बनवाया है, किस कंपनी का और इससे क्या लाभ होने वाला है लोगों को? ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम के द्वारा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और जिला मुख्यालय के एक साझा उपक्रम के तौर पर एक पेट्रोल पंप खोला जा रहा है, जिसका लाभ हमारे जेल में जेल के जो स्टाफ है उसके लिए दिया जाएगा। जेल कल्याण समिति है जो जेल के पहलियों के लिए उत्थान के लिए एक समिति का निर्माण है, उस समिति के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। साथ ही उसी समिति के माध्यम से जो पहली एक संभाग है हमारा, पहली संभाग के जो बच्चे हैं जो भी वर्तमान में कोई रोजगार प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उनके रोजगार के साधन के तौर पर भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही इससे जो भी लाभांश प्राप्त होगा पेट्रोल पंप के संचालन से, उसका उपयोग हमारे जो पहली वर्ग हैं उनके वेलफेयर के रूप में, बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने में या उनके घरों की मरम्मत करने में या जो अन्य लाभ हो सकते हैं उस हिसाब में दिया जाएगा। सर, कब तक चालू होने की संभावना? संभवतः 2 माह के अंदर इसका काम पूरा हो जाएगा और फिर उसके बाद पेट्रोल डीजल प्राप्त करके इसका संचालन 30 माह से चालू कर दिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।